द्रौपदी मुर्मू आए तेलंगाना दौरा माथे हैदराबाद री नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉरा 21वां दीक्षांत समारोह माए करेली शिरकत। सिकंदराबाद माए भारतीय कला महोत्सव रो करेली शुभारंभ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिवसीय दौरा माथे आज आवेला जयपुर, कई कार्यक्रम माए लेवेला हिस्सो, स्कूल रा शिक्षिका और छात्रावा सु करेला संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरियाणा में भाजपा प्रत्याशी रा समर्थन में करी चुनावी सभा, भाजपा प्रत्याशी रा पक्ष में मतदान री करी अपील। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर और जोधपुर में आयोजित करी जा रही है 30वीं राष्ट्रीय लोक अदालत, इन माय कई मामला रो राजीनामा सु करियो जा रही है निस्तारण। और भरतपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा रहते साइकिल मैराथन रो करियो गयो आयोजन, जिला कलेक्टर हरी झंडी दिखार साइकिल मैराथन ने करिया रवाना। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अर्निशा डाबले हर खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तेलंगाना माए हैदराबाद री नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉरा 21वां दीक्षांत समारोह माए भाग ले रही है। इनके अलावा राष्ट्रपति सिकंदराबाद माए भारतीय कला महोत्सव रो भी शुभारंभ कर रही है। आओ चला तेलंगाना एंड एम्पावर देयर अदर वुमेन एंड गर्ल्स हु आर अंडर प्रिविलेज्ड। नलसर हैज टेकन लीड इन सेवरल एरियाज। In 2 days convocation, members of bar and bench are gathered here. Every segment of the society is a stakeholder in promoting safety of women. I urge upon Nalsar, including its alumni, to enlist the support of all stakeholders and help in setting up a nationwide network of women advocates and law students. This network will work with the mandate to make concerted efforts to prevent atrocities against women and deal with cases of such atrocities. Dear students, I am sure you will utilize your education in Nalsar as an effective instrument of social justice and development. With this approach, you will add meaning to your success. You will also have the satisfaction of making contribution to our national goals. I wish you a very bright future. Thank you. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिवसीय दौरा माथे आज जयपुर आवेला। इन दौरान वे कई कार्यक्रम माए शिरकत करेला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर रा इंडिया इंटरनेशनल स्कूल रा शिक्षिका और छात्रावासु संवाद करेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरियाणा दौरा माथे रिया। वे हरियाणा रा तोशाम विधानसभा खेतर सु भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी रा समर्थन माए जनसभा ने संबोधित करिया और भाजपा रा पक्ष माए मतदान री अपील करिए। ये किसान की और जवान की धरती है और किसान जिस तरह से मेहनत करता है और मेहनत करते हुए वो देश को आगे बढ़ाने का काम करता है, और हमारा जब किसान का बेटा वो जवान जब सीना पर जाता है तो मां भारती की सेवा करता है, अगर उसको कहीं भी दिक्कत आती है तो अपने आप को मां भारती के लिए समर्पित कर देता है, लेकिन अपनी मां भारती की रक्षा करने से कभी पीछे नहीं हट सकता है। ऐसी मैं इस धरती को नमस्कार करता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं इस देश में आजादी से पहले आपने देखा होगा क्या स्थिति थी। हमारे आपके पूर्वजों ने जिस तरह से आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, उन्होंने इस मां भारती को आजाद कराने में हिस्सा लिया था। उनके मन में कई सपने थे, कई विचार थे जो आए थे कि आने वाली पीढ़ी
हमारी सुरक्षित रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी ठीक तरह से शिक्षा ग्रहण कर सके, ठीक तरह से आगे बढ़ सके थे, इसी ऐसे सपने उन्होंने देखे थे। और उन सपनों का आधार यही था, क्योंकि बहुत तरह से जीवन काट रहे थे, उन्होंने काटा था क्योंकि गुलामी का जाल बहुत लंबे समय तक चला था। कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए, लेकिन हमारे उन पूर्वजों ने हमेशा संघर्ष की स्थिति देखे, रोज संघर्ष करते हुए हमको आजादी मिली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 रो इन्वेस्टर रोड शो 30 सितंबर ने दिल्ली में आयोजित करियो जावेड़ो। इन इन्वेस्टर रोड शो में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत, उद्योग विभाग रा प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल वेला। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली रा तत्वावधान में जयपुर में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन करियो गयो। राजस्थान हाईकोर्ट रा नया भवन में जस्टिस अनूप कुमार ढंड इन रो शुभारंभ करिया। आमजन ने सस्तो, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध करावा रा उद्देश्य सु राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन करियो जा रियो है। इन मौके हाईकोर्ट जयपुर बेंच रा न्यायाधीश, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन रा पदाधिकारी, अधिवक्ता समेत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रिया। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में आज तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन करियो जा रियो है। इन खातर तीन बेंचा रो गठन करियो गयो है। राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति रा अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत रो शुभारंभ करिया। इन मौके वे कहा कि लोक अदालत समाज में न्याय रो घोतक है। लोक अदालत त्वरित न्याय खातर न्याय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोक अदालत अपने आप में समाज में न्याय के विकास का द्योतक है। लोक अदालत से उस आम आदमी को राहत पहुंचती है जो लोक अदालत की भावना से किसी निर्णय पर पहुंचता है, और त्वरित न्याय के लिए न्याय व्यवस्था में यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है कि जिसको जितना मदद मजबूत बनाया जाए उतना ही हमारा आखिरी नागरिक जो है वो सशक्त होगा। हम सब मिलकर के ये प्रयास करेंगे कि लोक अदालत के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुकदमे निस्तारित हों और लोक अदालत की भावना हमेशा बनी रहे। लोक अदालत आपसी दोनों पार्टीज के आपसी सुलह से जो भी होता है, जो छोटे मोटे विवाद हैं, वो आपसी सुलह से न्यायालय के एक हाईकोर्ट के ही न्यायाधीश बैठते हैं और उसमें एक मेंबर बैठते हैं। दोनों पार्टीज आती है और अपने कंसेंट से जो भी छोटे मोटे विवाद है उनको सुलह से, आपसी सुलह से करके निपटारा किया जाता है। एक्चुअली बहुत ज्यादा मुकदमे बढ़ गए हैं, उसकी थोड़ी पेंडेंसी को कम करने के लिए स्पीडी ट्रायल करने के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मेट करते हुए लोक अदालत की भावना से यहाँ पे मैटर सुलझाए जाते हैं, जो काफी हद तक प्रभावी और लाभदायक दोनों हैं। इसके अंदर दोनों पार्टियां आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामे करती है तो दोनों पक्षों को जल्दी से न्याय मिलता है। वर्तमान में स्थिति यह है कि न्यायालयों में काफी मुकदमों की पेंडेंसी है जिसकी वजह से फैसले जल्दी नहीं हो पाते हैं, तो पक्षकारों को जो जल्दी न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है कि मुकदमों की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, सारे जजेज अपना बहुत अच्छा प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी निस्तारण समय पे नहीं हो पाता है। तो ये लोक अदालत एक ऐसा माध्यम हुआ है जिससे दोनों पक्षकार अपना समय पे न्याय पा सकते। जयपुर रा राजस्थान हाईकोर्ट परिसर रा राजकीय अधिवक्ता कार्यालय में एक संविदा कर्मी फांसी लगा आत्महत्या कर लियो। मृतक आर्थिक स्थिति से परेशान हो, वो लाडला 18 साल सु संविदा माथे कार्यरत हो और उनने खाली 5,600 रुपया मानदेय मिल रियो हो। घटना बाचे मृतक रा परिजन और दूजा संविदा कर्मी मुआवजा री मांग ने लेर मौका माते ही धरनो दियो, वटे ही वकील भी घटना रा विरोध माए हाईकोर्ट रे बारे प्रदर्शन कर जाम लगा दियो। पाचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारिया रे साथे हुई वार्ता माए मृतक रा परिजन ने संविदा माथे नौकरी और 10 लाख रुपया री आर्थिक सहायता रो आश्वासन मिलवा माथे मामलो शांत व्यो। भरतपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा रे तेज साइकिल मैराथन रो आयोजन करियो गयो। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव हरी झंडी दिखा साइकिल मैराथन ने रवाना करिया। कलेक्टर बताया कि स्वच्छता खातर आमजन ने जागरूक करबारा उद्देश्य सु इन मैराथन रो आयोजन करियो गयो। इन मौके नगर निगम रा आयुक्त श्रवण विश्नोई, जिला शिक्षा अधिकारी आरडी बंसल समेत कई अधिकारी मौजूद रिया।
स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के अंतर्गत जागरूकता के लिए आज बच्चों के द्वारा साइकिलिंग रैली का कॉम्पिटिशन कराया गया है। इसमें शिक्षा विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा ये रैली निकाली गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के बारे में लोगों को अवेयर करना है। अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें संस्कार स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता ये अभियान चल रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें ताकि लोग इससे अवेयर हों और हमारे भरतपुर शहर को पर्यटन में सबसे आगे लिखे। सवाईमाधोपुर जिला रा आंगनवाड़ी केन्द्रा माथे पोषण दिवस रो आयोजन करियो गयो। इन दौरान केन्द्रा माथे टाबरा री लंबाई और वजन नाप्यो गयो। साथ ही टाबरा रा आहार स्तनपान रा बारा माए जानकारी दी गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुष्पा जैन बताया कि इन मौके गर्भवती महिला ने जरूरी खान पान, आयरन और फोलिक एसिड री गोलियां खाबारी सलाह दी गई। इन दौरान केन्द्रा माथे गर्भवती महिला री गोद भराई री रस्म भी करी गई। हमारी समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर इसका सेलिब्रेशन किया गया। इसके अंदर हम पोषण से संबंधित विभिन्न एस्पेक्ट्स को लेके लोगों को कम्युनिटी को जागरूक करने का कार्य करते हैं। इसके अंदर हम महिलाओं की प्रजनन संबंधी जो आयु है, क्या राइट टाइम पे उनको रिप्रोडक्शन फेज में जाना चाहिए, प्रसव पूर्व उनको क्या देखभाल करनी चाहिए स्वयं की, और प्रसव के बाद में जो बच्चा हो जाए और स्वयं की जो धात्री महिला है उनको क्या देखभाल करनी चाहिए, उनसे कुपोषण संबंधित उनके वजन है, उनकी लंबाई है, उनकी भी पूरे ज़िले में मॉनिटरिंग की गई छोटे बच्चों की हाइट को लेकर भी। ये जैसे उसमें सैम मैम बच्चे थे उनको निकाला गया कि किन बच्चों सैम कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन से बच्चे मैम कैटेगरी में आ रहे हैं। एक सेशन हमने उसमें ये भी रखा गया कि हाथ धुलाई कैसे हो, वॉश प्रोग्राम के तहत कि अपने हाथों को कैसे अच्छे से धोएं, इसके बारे में भी कम्युनिटी में अवेयरनेस करना। मिलेट के बारे में जानकारी दी गई, जो मोटा अनाज है उसको कैसे हम अपने रेगुलर जो खान पान है उसमें समावेश करके हम कुपोषण से बच सकते हैं, एनीमिक होने से बच सकते हैं, इस संबंध में जागरूक किया गया। बच्चों को जो रॉ मटेरियल अपने गांव स्तर पे उपलब्ध है उससे जो खिलौने होते हैं परंपरागत, चाहे मिट्टी के खिलौने हैं चाहे पुराने वस्त्रों को लेके खिलौने हैं, इस संदर्भ में भी खिलौनों के बारे में विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में बताया गया। जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ सहायिकाएँ हैं वो बच्चों को उनके अभिभावकों को पोषण के बारे में जागरूक करती है, उन्हें विभिन्न पोषण के बारे में जानकारी देती है, और जो भी उनके मेंटेनेंस के रिकॉर्ड वगैरह हैं उनको अच्छे से मेंटेन करके और वो करते हैं। इन सभी को एक कैलेंडर उपलब्ध करवाया गया था और कैलेंडर के अनुसार इनको अलग अलग गतिविधियाँ दी गई थी। इसमें पोषण से संबंधित कई तरह की गतिविधियाँ करवाई हमने, रैली निकलवाई है, पोषण सप्ताह मनाया गया है, फिर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई है, 7 माह 6 माह पूर्ण होने वाले बच्चों को अन्नप्राशन खिलाकर उन्हें अन्नप्राशन खिलाया गया, वह 3 वर्ष पूर्ण होने वाले बच्चों का प्रवेश उत्सव मनाया गया, उनकी माताओं को ये कहा गया कि अब इन्हें आप आंगनबाड़ी केंद्र पर भेजें। पोषण सप्ताह में पोषाहार के बारे में जो हमारे को मिलता है और जो हमें हमारे घर से उपलब्ध होता है उन महिलाओं को खाने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे वह स्वस्थ रहे और उनका बच्चा भी स्वस्थ रहे। धौलपुर में शारदीय नवरात्रे की अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में मां दुर्गा की मूर्तियों की दुकानें सजने लगी हैं। बाजार में 7 फीट तक की मां दुर्गा की मूर्तियां उपलब्ध हैं। ज्यादातर ग्राहकों की मांग मिट्टी से बने मूर्तियों की है। नवदुर्गा चालू हो रहे हैं और हमारे यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं जो कि 1 फुट से लेकर 7 फुट तक मिलती हैं और सभी की रेंज है 1 फुट की मूर्ति है, और ज़्यादातर लोग मिट्टी की मूर्तियाँ हम बनाते हैं क्योंकि ये पर्यावरण को सुरक्षित रखती हैं और इनमें पानी में भी विसर्जन करने पर कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से विसर्जन हो जाती हैं। मूर्तियाँ ले जाते हैं और अर्चन विध वो करते हैं, बैठाते हैं, और ये मिट्टी की मूर्तियाँ हमें पसंद हैं और ये विसर्जन करने में तो सहयोग अच्छी रहती है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान नहीं होता। खास खबरें एक बार फिरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तेलंगाना दौरा माथे हैदराबाद नेल्सन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ रा 21वां दीक्षांत समारोह में करेली शिरकत। सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव रो करेली शुभारंभ।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिवसीय दौरा माथे आज आवेला जयपुर कई कार्यक्रम में लेवेला हिस्सो स्कूल शिक्षिका और छात्रावासों करेला संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरियाणा में भाजपा प्रत्याशी रा समर्थन में करी चुनावी सभा, भाजपा प्रत्याशी रा पक्ष में मतदान भी करी अपील। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर और जोधपुर में आयोजित करी जा रही है तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, इन में कई मामलों रो राजीनामा सु करियो जा रही है निस्तारण। और भरतपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा रहते साइकिल मैराथन रो करियो गयो आयोजन, जिला कलेक्टर हरी झंडी दिखार साइकिल मैराथन ने करिया रवाना। बुलेटिन में अत्रोही थे, देखते रहो डीडी राजस्थान, नमस्कार।